दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी लेफ्ट तो कभी राइट दोनों हाथों से बॉलिंग करता रहा श्रीलंकाई। भारत के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने खूब धड़ाका किया। यशस्वी जायसवाल के बाद कप्तानी में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव ने तेज तर्रार 50 ठोकी। सूर्य कुमार यादव ने पारी में सिर्फ 22 गेंद खेलकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस दौरान श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरह से बेदम नजर आए, लेकिन लगातार हो रही पिटाई के बीच श्रीलंका के स्पिनर कामिंदु मेंडिस ने कुछ ऐसा किया कि देखकर हर कोई हैरानी में पड़ गया। दरअसल कामिंदु ने भारत के पहले T20 मैच में दोनों हाथों से बॉलिंग करते हुए दिखे। भारत के लिए जब सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस समय कामिंदु ने सूर्य कुमार यादव को लेफ्ट आर्म से गेंदबाजी की, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक अच्छा एंगल बनाता है। वहीं जब ऋषभ पंत स्ट्राइक पर आए तो कामिंदु ने उन्हें राइट आर्म से बॉलिंग की। इस दौरान कुछ समय के लिए पंत और सूर्य कुमार यादव को भी समझ नहीं आया कि कामिंदु आखिर करना क्या चाह रहे हैं। हालांकि कामिंदु को पारी में सिर्फ एक ओवर ही करने को मिला, जिसमें उन्होंने 9 रन दिए, जिसमें वह विकेट नहीं निकाल पाए।